मेरा नाम अंजू कुमार अरोड़ा है, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं 6 तारीख को अमरनाथ यात्रा करने आया था और हम लोगों का 31 लोगों का ग्रुप था और हम लोगों ने दर्शन करके बालटाल के नीचे उतरे थे। बालटाल 2 दिन बंद होने के कारण हम लोगों को नहीं निकलने दिया गया। हम कल रात को बालटाल से निकले और रास्ते में संगम के पास में हमारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ और हम कानवाई में निकले थे, सारी गाड़ी हमारे साथ थी और एक्सीडेंट होने के बाद में किसी तरीके से गाड़ी तोड़ के मैं नीचे उतरा और लोगों से गाड़ी वाले यात्रियों से हेल्प मांगा, किसी ने नहीं रोका। आर्मी का गाड़ी उधर से आ रहा था तो उधर उनसे हेल्प मांगा, उन्होंने भी नहीं रोका। फिर वहां पर बार बार गाड़ी आर्मी वाले से कहता रहा लेकिन किसी ने नहीं रोका और उसके बाद वहां पर मुझे एक शख्स दिखाई दिया, उनसे हेल्प मांगा। गली में से 50 आदमी निकल के आए, जो लोग कश्मीर और श्रीनगर के लोग होते हैं उन लोगों ने वो इंसानियत दिखाई जो मैं आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि इंसानियत चीज क्या होती है। इस चीज को बार बार सीखने को मन करता है कि इंसानियत किसे कहते हैं। इन लोगों ने तोड़ तोड़ के बस को और दरवाजों को शीशों को हम लोगों को बचाया, वरना हम मर जाते सारे के सारे। कोई भी हमको सेना ने हेल्प नहीं करा, पुलिस ने हेल्प नहीं करा, किसी ने हेल्प नहीं करा। इन लोगों ने हमें वहां से गाड़ी रोक रोक के एम्बुलेंस पर डाल के भेजा हमको अस्पतालों में। अस्पताल में भेजने के बाद में हमारा ट्रीटमेंट करवाया और यहाँ पे हर सुविधा हमें दी जा रही है, कोई भी किसी चीज की कमी नहीं दी जा रही है। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों को इंसानियत सीखनी है तो इन कश्मीरी लोगों से सीखो, इन कौम की बुराई मत करो, इस दिल को पहचानो। वास्तव में जिंदगी में मैंने पहली बार इंसानियत महसूस की है, बस इसके आगे मैं और कुछ कहना चाहूंगा।